हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन टू ब्यूटीन इज ड्यू टू ओवरलैप ऑफ वन एस एंड एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप ऑफ टू एसपी टू हाइब्रोडाइज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और द साइडवेज ओवरलैप ऑफ टू पी ऑर्बिटल्स तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो टू ब्यूटीन है उस उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ठीक है उसका रीजन क्या है तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट सिग्मा एंड ठीक है तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स का हम पहले रोटेशन uh, देखेंगे कि इसमें रोटेशन कैसे होती है सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इथेन फर्स्ट ठीक है इथेन से देखते हैं तो so, इथेन का हो गया हमारा ये हमारा इथेन है ठीक है यहाँ पर ये जो है ये क्या है सिगमा बॉन्डिंग है तो जब सिग्मा बॉन्ड होता है तो ये जो रोटेशन है वो फ्रीली रोटेशन होती है ठीक है मतलब जो रोटेशन है इसकी वो कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है रोटेशन में फ्रीली इट कैन रोटेट ठीक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड बट अगर ये सिंगल बॉन्ड था यहाँ पर लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा सपोज की अगर हम इथिन की बात करें ठीक है तो उसके बाद हम टू ब्यूटीन देखेंगे पहले हम इथिन पे इसको समझेंगे तो अगर हम इथिन की बात करें तो इथिन हो जाएगा हमारा सी डबल बॉन्ड सी ये हो गया एच 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 ठीक है सो so नाउ इसके अगर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करें तो ये एंड ये क्या है एच के ऑर्बिटल्स है यहां पर क्या हो रही है इन टू इंड ओवरलैपिंग हो रही है इन टू इंड ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ठीक है यहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड ये जो परपेंडिकुलर बनाया है ये जो परपेंडिकुलर बनाया है प्लेन से वो हमारा यहाँ पर ये जो है यहाँ पे पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग होगी ठीक है ठीके? ये इसको हम बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग या साइड टू साइड ओवरलैप ठीक है तो साइड टू साइड ओवरलैपिंग जब होती है तो वहां पर बनता है बॉन्ड एंड जब इंड टू ओवरलैपिंग होती है तो बनता है सिग्मा बॉन्ड ठीक है तो यहां पर क्या हो रही है इंड टू ओवरलैपिंग हो रही है सो so, ये जो हमारा बॉन्ड uh, बन रहा है ड्यू टू द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ द पी और बाइटल्स ये जो प्लेन से ऊपर नीचे ये जो दो और बाइटल हैं ठीक है इनकी वजह से जो रोटेशन है वो क्या हो जाती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाती है तो यहाँ पर जो हमारी रोटेशन हो जाती है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है ड्यू टू ठीक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पी ऑर्बिटल्स क्योंकि ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं इनकी साइडवेज वेज ओवरलैपिंग होती है ओवरलैपिंग की वजह से ये जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है क्वेश्चन में पूछ रहा है टू ब्यूटीन तो बस यहां पर हमें क्या करना है टू ब्यूटीन पूछ रहा है तो ये हम यहाँ पर सीएस्ट्री ग्रुप लगा दें ये हमारा हो जाएगा मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन को हटा करके ठीक है एंड यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा तो so, ये हो जाएगा यहां पर ये हो जाएगा यहाँ पर सी थ्री आ जाएगा ठीक है सी थ्री यहां पर ओवरलैपिंग हो जाएगी एंड ये हाइड्रोजन है ठीक है तो यहां पर क्यों हो रहा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पी और बाइटल एंड ड्यू टू द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ द पी और बाइटल तो पी और बाइटल की जो साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है उसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन हो रहा है ठीक है सो ऑप्शंस uh, में देखते हैं तो टू ब्यूटीन का तो पहला क्या बोला स्टेटमेंट रॉन्ग है की एसपी टू हाइब्रोडाइज और वाइटल तो नहीं है एसपी टू हाइब्रोडाइज और वाइटल तो यहाँ पर है ठीक है तो ये जो हमारा सिग्मा पाई बॉन्ड बन रहा है ये एसपी टू हाइब्रोडाइज और वाइटल है यहाँ पे लेकिन जो रेस्ट्रिक्टेड uh, रोटेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड और बाइटल की वजह से नहीं है तो ये स्टेटमेंट भी लास्ट वन इज कि साइडवेज ओवरलैप ऑफ टू पी और बाइटल, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि जो पी और बैटल है वो प्लेन के अबब एंड बिलो होते हैं ठीक है तो उनकी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है जिसकी वजह से हमारा रेस्ट्रिक्शन रोटेशन का रेस्ट्रिक्शन हो जाता है सो ये द फाइनल आंसर इज डी सो द फाइनल आंसर इज डी होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक